जब मैंने खुद आगे से मैंने कहा कि मुझे एक्टिंग में मुझे कोशिश करनी है तो उन्होंने कभी ना नहीं बोला शी इज ऑलवेज बीन द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन इन माय लाइफ जो हर माह होती है अक्सर फाइनली इट इज नाउ रीचिंग द राइट पीपल व्हेन दैर वैलिडेशन कम्स इन यू नो नाउ यू हैव टू वर्क इवन हार्डर ऑन योरसेल्फ दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप ये तो सिर्फ यानी मतलब आपने सिर्फ फील्ड में एंट्री कियाजय सर एंड आई वॉन्टेड हिम टू जस्ट बिलीव कि मैंने यू नो ओंगली मैंने सही बंदे पर लगाई है right. ये है और इसमें है आप जितने भी अच्छे एक्टर हों पर अगर आपका काम ऑडियंसिस तक नहीं पहुँचे right. तो वॉट्स द पॉइंट हाउ वि रेकग्नाइज सो येस द प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट काफी दिलचस्प इंसान है ये कभी मुलाजिम कभी नवाब और कभी इनकलाबी इन्होंने सबको इश्क करना सिखा दिया और फिर सबको ही अपना आशिक बना दिया टुडे वी हैव विद अस ताहा शाह फ्रॉम हीरा मंडी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी नाइस लाइन सो स्टार्टिंग विद डिड यू एक्सपेक्ट दिस क्योंकि आप एक रेज बन चुके हैं सोशल मीडिया इज फिल्ड विद यू हर जगह ताहा शाह ताजदार ताजदार इज ट्रेंडिंग

जैसे मैं कह ही रहा था कि मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे जैसे आप बोल रहे हो इंटरनेट yes. इंटरनेट सेंसेशन और ये इट्स एक्चुअली इट्स माइंड बॉगलिंग मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्योंकि लिटरली कुछ एक हफ्ते पहले छः दिन पहले मेरे पोस्ट पे चार सौ पाँच सौ छः सौ okay. सात सौ लाइस आते थे और अचानक से एक लाख दो लाख तीन लाख मैं समझ ये यानी मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मुझे right. तो लगा था कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया काम नहीं करता है मेरे लिए और मैं गिव अप कर दूँ सोशल मीडिया क्योंकि मैंने right. हर चीज़ ट्राई की है फोटो डाले ये डाले वीडियो डाले रील्स डाले पर जो रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है और सिर्फ यहाँ पर नहीं पर ग्लोबली ग्लोबली Global, yes. से लोग मैसेज कर रहे हैं तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं बहुत ही बहुत ही मतलब ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि चौदह पंद्रह साल के बाद जब कुछ नहीं मिलता आपको और अचानक से इतना सब कुछ मिल जाता है आई वैल्यू एक एक ऑडियंस मेंबर एक एक फ़ैन जो मुझे मैसेज करते हैं जो मुझे मेंशन करते हैं right. मैं बहुत 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 मतलब तह दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आई एम वेरी हम्बल्ड और मैं बस यही चाहता हूँ कि अभी मैं

मैं मैं मुझे मुझे मरना बहुत पसंद है <laughs> मैं मुझे मुझे बहुत मज़ा आता है ये मुराद यहीं ताज में भी मैं yes. आ, ये हुआ था और इसमें भी हुआ है ऑफ कोर्स इसमें अलग किस्म से दिखाया गया है right. पर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये एक सीन अगर मैं जीत जाऊँ hmm. अगर इस सीन में अगर ऑडियंस रो दे तो एज एन एक्टर आई हैव वन एज एन एक्टर और जब मैं वहाँ पर था तो रिटेक्स तो बहुत हुए मैं कुछ लगभग पाँच छः सात घंटे छः घंटे तक मैं उल्टा लटकाया गया था ऑलवेज अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन और मैम आई थिंक और और उसको और जेनुन करने के लिए पहले तो उन्होंने कुछ खून वून डाला था जब मैंने शॉट देखा तो मैंने बोला ये सही नहीं है hmm. हाँ और पहले तो मुझे ऐसे और वो टच करा था ऐसे right. मैं बोला भाई असली लेकर आओ और फटाओ मेरे को तो पहले तो उन्होंने वो असली यू नो वो um, डंडा वो लेकर आए एंड आई टोल्ड हिम जस्ट हिट मी वंस स्लोली डोंट हिट मी हार्ड जस्ट हिट मी स्लोली कि मैं ले सकता हूँ नहीं तो उन्होंने मारा फिर और ज़ोर से फिर और ज़ोर से wow. फिर थोड़ा फिर एक्चुअली मैं लगा तब फिर मैंने बोला इसी फोर्स से अभी वो वाला जो रबर वाला है ना oh, रबर वाला उससे मारो तो जैसा चुपता था ना इट वाज एक्चुअली पेनफुल और Lord, मेरे बैक पे भी निशान आ गए थे और पर मैंने बोला कि देखो टच मत करो भाई hmm. आप अगर मारोगे ना फुल ऑन मारो राइट इट डजेंट मैटर बिकॉज इट डजन हर्ट इट लगता है थोड़ी देर के लिए फिर आ ठीक है ठीक है ओके और और जब मैं उल्टा लटका गया था बिफोर गोइंग डाउन मैं एक मतलब इतना ग्लास का खून पीता था oh. तो मैं अपने मुंह में डाल के मैं यहाँ तक रखता था

ऐसे ऐसे हो जाए अरे ऐसा हो जाए इनका रिएक्शन ऐसा हो जाना चाहिए एंड आई फील दैट लाइक योर सिंग कि थैंक गॉड उनको ये फील हुआ It, और uh, उस सीन में कोई डबिंग वबिंग नहीं है ओके वी हैव डन द एग्जैक्ट जो हमने शूट किया है वैसे ही जो वॉइस जो वोकल है एग्जैक्ट right. सेम है ना उसके पीछे म्यूजिक है ना कुछ है यू कैन हियर द सीन इट्स ओनली यू सो आई बिलीव दैट दिस इज अ अम्पलीट दैट वॉज अ कम्प्लीट एक्टर्स थिंग एंड एंड आई थिंक उस सीन पे ना भंसारी सर भी नहीं थे क्योंकि वो दूसरे सेट पे थे okay. तो इसमें स्नेहल मैम थी और सो uh, so we वी वी गॉट टू यू नो डू मोर और फिर सोनाक्षी के शॉर्ट्स थे मेरे पीछे तो डिटेक्स तो बहुत हुए right. तब तक मुझे बहुत चक्कर भी आने लगे और मैं और, और उसमें ना बहुत मतलब इख, गंदा मतलब गंदा right. तो आप वैसे भी जब आप मूवमेंट ले तो आपको वैसे भी उल्टी आती है तो इमेजिन उल्टी के साथ खून खून के साथ ये तो इट वॉज अ कम्प्लीट मैस

आई हर्ड इट समेर की योर मदर शी एस्पायर टू बी एन एक्ट्रेस ऑलियर बट देन बिकॉज ऑफ सर स्टांसेज इट डेंट है उस वक्त भी आई मीन कौन बच्चा नहीं चाहता है कि मैं एक एक्ट्रेस बनूँ या एक्टर बनूँ सो शी है ड्रीम उसको उनको ऑफर भी आया था जब वो मुंबई आई थी विथ हर मदर बट दैन उनकी मम्मी ने ना बोल दिया कि ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर हम आपके फैमिली में ही देंगे सो शी हैड टू लिव दैट और उस वक्त सेम ईयर आई थिंक हर माई ग्रैंड फादर पास हुए सो देन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मम्मी के कंधों पर आ गए थे एनी वे शी कंट परस्यू हर ड्रीम और ऐसा नहीं था कि वो चाहती थी कि मैं एक्टर बनूँ ऑफकोर्स वो चाहती है कि मैं सक्सेसफुल बनूँ कुछ yeah. भी करूँ मगर सक्सेसफुल बनूँ पर um, जब मैंने ख़ुद आगे से मैंने कहा कि मुझे एक्टिंग में मुझे कोशिश करनी है तो उन्होंने कभी ना नहीं बोला शी इज़ ऑलवेज़ बीन द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन इन माई लाइफ जो हर माँ होती है अक्सर पर उन्होंने सिर्फ इन्हीं शब्दों और मतलब यू नो माँ जैसे उन्होंने नहीं मतलब एक पार्टनर शी इज़ अ पार्टनर इन माई सक्सेस यू नो शी आज द बिगर हैंड इन द सक्सेस दैन मी यू नो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की और इंडस्ट्री आसान नहीं होता आपको बहुत सारे yeah. मतलब बॉम्बे yeah. में yeah. रहना भी एक अलग ही टास्क है सो टू बी एबल टू फाइनेंस टू बी एबल टू यू नो गेट मी क्लासेस सो शी इज़ बीन सो हेल्पफुल एंड यू नो खाने से लेकर फिटनेस से लेकर क्लासेस से लेकर ट्रैवल से लेकर yeah. मतलब जो बोलो वो ही करती हैं यू you नो know, वो ही संभालती हैं शी पुशिज पुशिज क्लासेस और एंड एंड यू नो वेरी रेड कि आप यू गेट समी लाइक दिस हु विल ब्लाइंडली यानी आप आप कुछ भी नहीं हो right. आपके हाथ ना कुछ है ना कुछ आ रहा है फिर भी वो बोलती है कि नहीं मुझे पता है होगा तू मेरे लिए कर रहा है मैं जानता हूँ तू करेगा 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 एंड दैट फेथ टुडे आई एम सो ग्लैड दैट आई एम एबल टू बी हीयर सो ब्लेस्ड ऑन दिस शो on this okay. poster yes. and uh, uh, you know i'm making her proud and i hope ki mein, uh, you know i take her name all across the world all across the globe yeah and i want her to see that and so yeah i hope you pray for me pray for okay. me so i wanted to know that what do you feel okay is it always a big

और हर सिनेमा और उसके ऊपर से आपके पास ऐसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म है सिनेमा नहीं ओ टी टी प्लेटफॉर्म जहाँ एक कंट्री दो कंट्री नहीं एक सो नाइन्टी हंड्रेड एंड नाइन्टी कंट्रीज हंड्रेड एंड नाइन्टी कंट्रीज तक पहुँचाता है अलग अलग भाषाओं में पहुँचाता है सब टाइटल्स में पहुँचाता है सो इमेजिन इमेजन द काइंड ऑफ ऑडियंस दैट यू आर रीचिंग आउट टू राइट सो विद द प्लेटफॉर्म विद द डायरेक्टर एंड फाइनली वट गिव्स यू रेकग्नेशन is the character that you play of course. if the character is not somebody that touches people's heart you won't get that recognition Yeah but have a character ho jodilko so you can see what's happening definitely also you know talking about now that you have you have done this role and everything yeah. aap ki, you know you get that uh, validation from the audiences You to what's but there's also important that यू गेटर सेल्फ वैलिशन आप एज एन एक्टर खुद को वैलिडेट करके साथ हुआ सीदी आई बिलीव इन थिंगस कान गिवेलीस यू गिव योर से आपको यकीन होना चाहिए एंड फॉर देट यकीन टू हैपन आपको उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए यानी hmm. आपके क्राफ्ट के ऊपर आपको मेहनत करनी चाहिए पहले मेहनत करो राइट फर्स्ट गैदर द स्किल्स एंड नॉलेज उसके बाद फिर यू पुट इट आउट देट इन द एंड हैव आत्मविश्वास सेल्फ बिलीफ कि मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है मैंने बहुत काम किया है ऑन माई सेल्फ एंड नाउ फाइनली वन आई एम प्रजेंटिंग इट वेन द वैलिडेशन कम्स इन यू नो दैट वट यू हैव डन इन द लास्ट थर्टीन फोर्टीन ईयर्स Finally, it is now reaching the right people when that validation comes in. You know, now you have to work even harder on yourself. Sure. This is just the first step. If you had to describe your first day on the set of Hira Mandi, what were your inner thoughts? Like, after seeing everything and everything, my, my only inner thought is that I want him, Sanjay sir.

ओके जस्ट आई वॉन्ट मेक इम प्राउड आई वॉन्ट टू मेक इम प्राउड ये सब ये दिस इज दिस इज़ ऑल हिज वर्ल्ड दिस डजेंट एफेक्ट मी वॉट अफेक्ट्स मी इज़ माई परफॉर्मेंस राइट बाकी सब इज एक्सटर्नल इंटरनल से मैं उनको क्या दे सकता हूँ वो मेरा काम था सो इंटरनल मैं और क्या कर सकता हूँ उनको और क्या ये सीन को और कैसे कैसे मैं बेंड कर सकता हूँ रोमांस कैसे मैं आँखों से दिखा सकता हूँ सो लॉड ऑफ थिंगज जस्ट प्लेइंग इन माई हेड लाइक दैट